हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राघव सर साइंस में। इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10वीं विषय विज्ञान की प्रश्न बैंक 21-22 के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्नों के सरल और सटीक उत्तरों को समझाएंगे। ये प्रश्न वार्षिक परीक्षा में 3 अंकों में पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम अध्याय 1 से 16 के सभी 3 अंक वाले महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्नों से। अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यहां पर हमें पहले संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा लिखना है और एक संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण देना है। उत्तर है संतुलित रासायनिक समीकरण। पहले हेडिंग डालेंगे, फिर उसकी परिभाषा आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। वह रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारकों तथा उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो कोई परमाणु नष्ट होता है और ना ही बनता है। उदाहरण है आपके सामने संतुलित रासायनिक समीकरण का, 2Mg+O2, तीर का निशान 2MgO। अब इस समीकरण के अभिकारक और उत्पाद, इन दोनों पक्षों को देखें, प्रत्येक परमाणु की संख्या समान है। इस प्रश्न को अन्य तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो उसका उत्तर भी इसी प्रश्न के उत्तर में छिपा हुआ है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए किसी समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 2, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की हिट एंड ट्रायल विधि क्या है? उत्तर है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए उसके दोनों पक्षों अर्थात अभिकारक और उत्पाद के पदार्थों में सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करते हैं। दोनों ओर के अणुओं की संख्या को बड़ा घटाकर समीकरण को संतुलित किया जाता है, इसे ही हम अनुमान विधि या हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। तो वास्तव में इस विधि में होता क्या है, किसी समीकरण के अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनके आगे तथा उत्पाद जो रासायनिक अभिक्रिया में बनते हैं उनके आगे छोटी छोटी पूर्णांक संख्याओं का गुणा किया जाता है, जैसे 2, 3 या 4। और यह काम तब तक किया जाता है जब तक कि दोनों ओर के तत्वों के परमाणु समान संख्या में ना आ जाएं। इसे ही हम हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के 3 उदाहरण दीजिए। अर्थात यहां हमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा नहीं लिखना, यहां केवल हमें 3 ऐसी अभिक्रियाओं के नाम और उनकी समीकरण लिखना है जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा निकलती है। लीजिए, आपके सामने है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के 3 उदाहरण। पहला है ईंधन का जलना या ईंधन का दहन, यह हुई रासायनिक अभिक्रिया, और उसके सामने लिखा है उसका रासायनिक समीकरण, C+O2, तीर का निशान CO2- ऊष्मा, क्योंकि सारे ईंधन हाइड्रोकार्बन होते हैं अर्थात उनमें कार्बन मुख्य तत्व के रूप में मौजूद होता है। दूसरा उदाहरण है मैग्नीशियम तार का जलना, और इसकी समीकरण है 2Mg+O2, तीर का निशान 2MgO- ऊर्जा या ऊष्मा। मैग्नीशियम तार को हल्का सा गर्म कर दो तो वह स्वतः जलता है, अपने आप जलता है फुलझड़ी की तरह, और उससे ऊष्मा निकलती है और MgO का सफेद पाउडर बनता है। तीसरा है अंतः कोशिकीय श्वसन, यह अभिक्रिया हमारी कोशिकाओं के अंदर होती है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है, इसलिए तो हम श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका भी रासायनिक समीकरण आप यहां पर लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, विकृत गंधिता किसे कहते हैं? खाद्य पदार्थों को इससे बचाने हेतु कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो पहले हमें विकृत गंधिता की परिभाषा लिखना है हेडिंग डाल के इन्वर्टेड कॉमा में, उसके बाद हमें विकृत गंधिता से बचाव के कोई 3 उपाय लिखना है। चलिए, उत्तर आपके सामने है विकृत गंधिता की परिभाषा, तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध बदल देते हैं, यह घटना विकृत गंधिता कहलाती है। विकृत गंधिता से बचाव के उपाय, पहला प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके, अर्थात खाद्य पदार्थों के साथ सोडियम बेंजोएट की छोटी सी थैली रख दो तो वह ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगी और वह ऑक्सीजन आपके खाने को खराब नहीं करेगी। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखकर, अर्थात ऐसे बर्तनों में तेलीय खाद्य पदार्थ रखो जिसमें एयर टाइट ढक्कन लगा हुआ हो। तीसरा है खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन गैस से प्रभावित करके,
अर्थात चिप्स में नाइट्रोजन गैस भर दो, थैलियों में चिप्स के साथ नाइट्रोजन गैस भर दो, तो 9 महीने तक वो चिप्स कुरकुरी रहेगी, स्वाद भी अच्छा रहेगा, खराब नहीं होगी। प्रश्न क्रमांक 5, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? यह प्रयोग आपने अपनी प्रयोगशाला में किया होगा। कॉपर सल्फेट का विलयन नीले रंग का होता है, और अगर इसमें हम लोहे की एक कील डाल दें या लोहे के अलावा हम जस्ता धातु भी डाल दें तो धीरे धीरे यह नीला रंग गायब हो जाता है, विलयन रंगहीन हो जाता है। क्यों? कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो उत्तर है आपके सामने, जब लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का नीला रंग हल्का या मलिन हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है। यह लवण विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देती है और आयरन सल्फेट तथा कॉपर धातु बनता है। यह अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है, इसकी समीकरण को भी आप लिखें। Fe धन CuSO4, तो Fe ने क्या किया, CuSO4 में से Cu को हटा दिया और खुद SO4 से जाकर जुड़ गया, बन गया FeSO4। तो जैसे जैसे CuSO4 खत्म होगा FeSO4 बनेगा, वैसे वैसे ही विलयन का रंग भी हल्का पड़ता जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 लीजिए, अब हम आ गए हम सीधे अध्याय 11 मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार के 3 अंक वाले लघुत्तरीय प्रश्नों पे। एक के बाद सीधे 11, बीच के किसी भी अध्याय में से 3 अंक का लघुत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। ब्लूप्रिंट के आधार पर ही आप वार्षिक परीक्षा की तैयारी करें। चलिए अध्याय 11 का पहला प्रश्न, किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारने पर वह अवयवी वर्णों में विक्षेपित होता है परंतु आयताकार कांच पट्टिका से ऐसा नहीं होता, क्यों? अर्थात प्रिज्म में से प्रकाश गुजारोगे तो 7 रंग में बढ़ जाएगा, लेकिन उसी कांच की बनी आयताकार सिल्ली में से प्रकाश को गुजारोगे तो वो 7 रंगों में नहीं बटेगा, क्यों? लीजिए बहुत ही सरल सुंदर और सटीक उत्तर, समझें मन से लिख कर आए। जब प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म में प्रवेश करती है तब उसका 2 बार अपवर्तन होता है तथा निर्गत किरण आपतित किरण के साथ विचलन कोण बनाती है जो प्रत्येक रंग के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। आपको पता है बैंगनी रंग के प्रकाश का विचलन कोण ज्यादा और लाल रंग के प्रकाश का विचलन कोण कम, तो विचलन कोण बनना ही बहुत जरूरी है। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच अगर विचलन कोण बन रहा है तो विचलन कोण की इसी भिन्नता के कारण प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाता है। प्रिज्म से यह घटना इसलिए होती है क्योंकि प्रिज्म की अपवर्तित सतहें, दोनों सतहें एक दूसरे के समानांतर नहीं है, परंतु आयताकार कांच पट्टिका से वर्ण विक्षेपण नहीं होता क्योंकि इसकी दोनों अपवर्तित सतहें एक दूसरे के समानांतर हैं, जिसके कारण निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच विचलन कोण नहीं बन पाता, विचलन कोण नहीं बनता इसलिए वर्ण विक्षेपण नहीं होता। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? सूर्योदय और सूर्य अस्त दोनों ही समय सूर्य हमें लाल रंग का दिखता है, क्यों? सही उत्तर है, सूर्योदय के समय सूर्य क्षितिज के निकट होता है जहां से आने वाले प्रकाश को वायुमंडल की मोटी परत से होकर गुजरना पड़ता है तथा अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। नीले तथा कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का अधिकांश भाग वायुमंडलीय कणों द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है, बिखर जाता है, और सिर्फ अधिक तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश जैसे लाल रंग ही हम तक पहुंचता है, अतः सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। अर्थात सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज के पास होता है, उससे आने वाले प्रकाश को लंबी दूरी तय करना पड़ती है, जब वो वायुमंडल में से गुजरता है तो धूल के कणों से टकराकर नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक हो जाता है, इससे आसमान नीला दिखता है, लेकिन लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण उसका प्रकीर्णन नहीं होता, तो लाल रंग बिल्कुल सीधा चलता है, बाकी रंग बिखर गए हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले, और लाल रंग हमारी आंखों तक आया तो सूर्य से सीधा लाल रंग हमारी आंखों में आ रहा है, इसलिए सूर्य लाल दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? अर्थात यदि आप पृथ्वी पर खड़े हैं जैसे हम, तो हमें आसमान नीला दिखेगा, और अगर हम अंतरिक्ष में चले जाएं पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर तो हमें आसमान काला दिखेगा, ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत सरल सा उत्तर है, अंतरिक्ष यात्री आकाश में उस ऊंचाई पर होते हैं जहां वायुमंडल नहीं होता और ना ही वहां प्रकाश का प्रकीर्णन हो पाता है, इसलिए उन्हें आकाश नीला नहीं बल्कि काला प्रतीत होता है। तो ध्यान दीजिए, आकाश के नीले दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, और प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए जरूरी है वायुमंडल। अब अंतरिक्ष में तो निर्वात होता है, वायु होती ही नहीं,
तो वहां प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, नीला रंग फैलता नहीं है, इसलिए आसमान नीले की अपेक्षा काला दिखता है। तो अगर चीजों को आपने समझा है तो आप उत्तर अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है, इसमें लाल रंग का क्या स्थान होता है? तो इंद्रधनुष आप सभी ने देखा है, इंद्रधनुष हमेशा बारिश होने के बाद अगर सूर्य निकले तभी बनता है। लीजिए उत्तर, इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, अर्थात आकाश में संध्या के समय पूर्व दिशा में तथा प्रातः काल के समय पश्चिम दिशा में इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अर्थात सूरज इधर से निकल रहा है, उसके सामने अर्थात विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनता है। अब हमें रंगों के बारे में बताना है कि इंद्रधनुष में कौन सा रंग कहां होता है। इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर अर्थात सबसे ऊपर तथा बैंगनी रंग अंदर की ओर अर्थात सबसे नीचे होता है। क्यों? क्योंकि बैंगनी रंग का विचलन ज्यादा होता है और लाल रंग का कम। चलिए प्रश्न क्रमांक 5, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और हर साल परीक्षाओं में आता है। बहुत सरल सा उत्तर, 3 अंक में आपको मुश्किल से 5 लाइन या 50 शब्द लिखकर आना है। चलिए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना का उदाहरण है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद तारे के प्रकाश को विभिन्न अपवर्तनांक वाली वायुमंडलीय परतों से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे उसकी दिशा बदलती रहती है, अर्थात वह मुड़ता रहता है और तारे की आभासीय प्रतिबिंब उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न या ऊपर बनता है, जिससे तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। देखिए, एक तो तारे पृथ्वी से बहुत दूर हैं और उनका मंद प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। जब यह वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में हवा की सघन और विरल परतें हैं, तो यह लगातार मुड़ता है अपवर्तन के कारण। मुड़ने के कारण इसका प्रतिबिंब जहां तारा है वहां न बनते हुए उससे कुछ ऊपर बनता है और यह स्थिति भी बदलती रहती है लगातार, इसलिए हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। जबकि ग्रह और सूर्य नहीं टिमटिमाते। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के बहुत नजदीक है, ये बड़े प्रकाश स्रोत की तरह काम करते हैं, इनसे बहुत बड़ा प्रकाश, बहुत सारा प्रकाश हम तक पहुंचता है, इसलिए ये नहीं टिमटिमाते। चलिए बढ़े आगे, प्रश्न क्रमांक 6, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को चित्र द्वारा दर्शाइए। अब यहां पर आपको केवल नामांकित चित्र बनाना है वर्ण विक्षेपण का। कभी कभी चित्र के साथ साथ वर्ण विक्षेपण और वर्णक्रम की परिभाषा भी पूछी जा सकती है, तो हम परिभाषा भी लिख रहे हैं लेकिन इस प्रश्न में केवल चित्र बनाना है। लीजिए उत्तर, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के अपने अव्यभी 7 रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा वर्ण विक्षेपण से प्राप्त रंगों के समूह को वर्ण क्रम कहते हैं। चित्र, ये लीजिए चित्र, इस प्रकार का एक चित्र आपको बनाकर आना है। ऐसा ही सुंदर चित्र बनाने का बहुत सरल तरीका हमारे YouTube चैनल पर सिखाया गया है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाएं, वहां है कक्षा 10वीं के सभी नामांकित चित्रों को बनाने के सरल तरीके, वहां आपको यह चित्र भी मिल जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7, सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया? और ख, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? तो प्रश्न का उत्तर, सर्वप्रथम आइजक न्यूटन ने सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया। न्यूटन ने बताया कि प्रकाश 7 विभिन्न रंगों से बना होता है। दूसरा उत्तर, वर्ण विक्षेपण की परिभाषा, प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का अपने अव्यभी 7 रंगों में विभक्त होने की घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 8, टिंडल प्रभाव उत्पन्न करने में प्रकीर्णन की भूमिका बताइए। इस प्रश्न के उत्तर में पहले आपको टिंडल प्रभाव समझाना पड़ेगा, फिर टिंडल प्रभाव क्यों होता है उसके पीछे के कारण को स्पष्ट करना पड़ेगा। लीजिए उत्तर, टिंडल प्रभाव, जब किसी कोलाइडी विलयन पर प्रकाश पुंज डाला जाता है तो प्रकाश पुंज फैल जाता है तथा मार्ग के कण चमकने लगते हैं, इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। यह हुई परिभाषा, इसके पीछे का कारण, उपरोक्त घटना कोलाइडी कणों द्वारा उन पर पड़ने वाले प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित होती है। जब प्रकाश पुंज कोलाइडी कणों पर पड़ता है तो वे उनका अनियमित ढंग से प्रकीर्णन कर देते हैं, अर्थात उस प्रकाश पुंज को फैला देते हैं, बिखेर देते हैं। प्रकीर्णन प्रकाश की दिशा के लंबवत अधिकतम होता है, इसी के कारण हमें कोलाइडी विलयन में चमकता हुआ क्षेत्र और टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, प्रश्न क्रमांक 9 की ओर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षाओं में आएगा ही आएगा, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण और निवारण को सचित्र समझाइए। चलिए सबसे पहले आप निकट दृष्टि दोष की परिभाषा लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे परिभाषा इनवर्टेड कॉमा में। जब मनुष्य को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तो उसके इस दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अर्थात निकट का तो साफ दिखे लेकिन दूर की वस्तु ना दिखे तो वह दोष निकट दृष्टि दोष है।
कारण, ये दोष क्यों होता है? इस दोष के दो कारण हैं, दोनों चित्रों में दिख रहे हैं। पहला है नेत्र लेंस का मोटा हो जाना तथा उसका फोकस दूरी का घट जाना या कम हो जाना। दूसरा है नेत्र गोलक का फैल जाना तथा नेत्र व रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। इन दोनों ही स्थितियों में प्रतिबिंब, आप चित्र आ में देखें, प्रतिबिंब रेटिना पर न बनते हुए रेटिना के आगे नेत्र गोलक के अंदर या लेंस के निकट बन रहा है, इसलिए तो इसका नाम निकट दृष्टि दोष पड़ा। निवारण, निवारण का दूसरा चित्र है बी नंबर का। उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस किरणों को फैलाकर वस्तु के प्रतिबिंब को वापस रेटिना पर ले आता है तथा इस दोष का संशोधन हो जाता है। ये देखिए, हमने अवतल लेंस लगे चश्मे पहन लिए तो इसने प्रकाश किरणों को फैला दिया, तो जो रेटिना के पहले मिल रही थी अब रेटिना पर मिलने लगी और हमें दूर की वस्तु दिखने लगी। तो आप निवारण में ऐसी दो लाइन ना लिखें, केवल लिख दें अवतल लेंस का उपयोग करके हम इस दोष का निवारण कर सकते हैं। चलिए, इसी प्रकार एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष क्या है, इसके कारण और निवारण के साथ चित्र बनाइए। तो बिल्कुल पहले वाले प्रश्न की तरह दूरदृष्टि दोष की परिभाषा, दो कारण निवारण और कारण और निवारण के चित्र। दूरदृष्टि दोष, जब मनुष्य को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती तो उसके इस दृष्टि दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। दूरदृष्टि दोष, भले नाम इसका दूरदृष्टि दोष है लेकिन इसमें दूर की अच्छी दिखती है, पास की वस्तु नहीं दिखती, अखबार नहीं पढ़ सकते हम। कारण पहला, नेत्र लेंस का पतला हो जाना तथा उसकी फोकस दूरी का बढ़ जाना। दूसरा, नेत्र गोलक का सिकुड़ जाना यानी हमारी आंख छोटी हो गई तथा नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का घट जाना। इन दोनों ही स्थितियों में जो फोकस होता है वो रेटिना के पीछे चला जाता है, तो प्रतिबिंब रेटिना पर न बनते हुए कहां बनेगा? रेटिना के पीछे, नेत्र गोलक के बाहर, लेंस से दूर, इसलिए इसका नाम पड़ा दूरदृष्टि दोष। कारण का चित्र हो गया। निवारण, उपयुक्त क्षमता का उत्तल लेंस किरणों को सिकोड़कर वस्तु के प्रतिबिंब को वापस रेटिना पर ले आता है तथा इस दोष का संशोधन हो जाता है। अर्थात अगर हम उत्तल लेंस लगे चश्मों का उपयोग करें तो हम पेपर पढ़ लेंगे, पास की वस्तु दिखने लगेगी क्योंकि उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होता है, ये किरणों को अंदर की तरफ मोड़ देता है, तो जो किरणें बाहर मिल रही थी वो अब रेटिना पर ही मिलने लगती हैं। तो निवारण में आप केवल इतना लिख दें उत्तल लेंस, इसे याद भी रख सकते हैं। निकट तीन के लिए चार अवतल, दूर दो, दो के लिए तीन उत्तल। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जिसे आप भूलेंगे नहीं। अब आगे हम अध्याय 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्नों पर। प्रश्न क्रमांक एक, किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए, अर्थात जो दंड चुंबक होता है बिल्कुल सीधा वाला, उसके चारों ओर हमें चुंबकीय वाली रेखाएं बनाना है। ये लीजिए उत्तर, आप ये सुंदर सा चित्र बना के आएंगे, बहुत आसानी से बन जाता है, इसका अभ्यास करें। चलिए, तीन अंक आपको मिल जाएंगे। प्रश्न क्रमांक दो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए, अर्थात हमें चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं यहां पर लिखना है। लीजिए चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, पहला है आप चित्र में देखते जाएं, समझते जाएं, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं चिकने बंद वक्र होते हैं जो परस्पर कभी प्रतिच्छेद नहीं करते। तो देख लीजिए चुंबकीय बल रेखाएं बिल्कुल गोल वक्र हैं, बंद, गोल और बंद, कहीं भी खुले नहीं है, और ये सारी चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं। दूसरी विशेषता, ये रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलती हैं। चित्र में दिख रहा है, देखिए चुंबकीय बल रेखाएं बाहर चुंबकीय क्षेत्र में N से S की ओर जा रही हैं, उस तीर का निशान दिखा रहा है N से S, और चुंबक के अंदर ये जाती हैं S से N, इस प्रकार ये पूरे बंद वक्र होते हैं। अंतिम और तीसरा जो गुण है वो है जो सबसे नीचे दिया गया है, तीन नंबर, अधिक प्रबलता वाले चुंबकीय क्षेत्र में ये चुंबकीय बल रेखाएं पास पास तथा कम प्रबलता वाले क्षेत्र में दूर दूर होती हैं। ये देखिए सिरों पर अर्थात ध्रुवों पर N और S पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास हैं, यहां चुंबक की ताकत अधिक होती है, और बीच में देखिए बीच में चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर हैं, यहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। अर्थात इस चुंबक को अगर आप लोहे के चूर्ण में डाल दें तो सारा लोहे का चूर्ण N और S सिरों पर चिपक जाएगा, बीच में बहुत कम लोहे का चूर्ण चिपकेगा क्योंकि सिरों पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास हैं, अधिक हैं। चलिए बढ़े हम इसी अध्याय के प्रश्न क्रमांक तीन की ओर, किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने वाले नियम लिखिए। अर्थात अगर हम एक नग्न तार में से विद्युत धारा प्रवाहित करें तो आपको पता है कि उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, इसे ही तो हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तभी तो अगर आप किसी तार में से विद्युत बह रही है और उसके पास जाएं तो उससे चिपक सकते हैं। तो हमें बताना है कि जब किसी तार में से बिजली बहती है तो उसके चारों ओर बनने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें बनने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो किस दिशा में बनती हैं। इसके लिए दो नियम हैं, दोनों में से कोई एक नियम आप समझा सकते हैं। पहला है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, इसे दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार यदि आप दाहिने
अर्थात सीधे हाथ में धारावाही सीधे चालक को इस प्रकार पकड़ें कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करे, तो आपकी उंगलियां चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेंगी, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। तो आपसे यह प्रश्न अलग से भी पूछा जा सकता है कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में बनने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को बताने वाला दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम लिखिए। तो आपको यह लिखना है, और अगर चित्र बन जाए तो बहुत अच्छा। इसी प्रकार आप इसकी जगह दूसरा नियम भी लिख सकते हैं, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। इस नियम के अनुसार किसी पेच को दाएं हाथ द्वारा इस प्रकार घुमाया जाए कि पेच की नोक विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो पेच को घुमाने के लिए जिस दिशा में अंगूठा घूमता है वह चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा प्रदर्शित करता है। अलग से भी पूछा जा सकता है, मैक्सवेल का स्क्रू नियम लिखिए। चलिए, दोनों में से जैसा भी आए, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर आप लिखें। बढ़ते हैं आगे, अध्याय 14, ऊर्जा के स्रोत के लघु उत्तरी प्रश्न। पहला, ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। बहुत सरल सा उत्तर है, ऊर्जा के संरक्षण का नियम। इसके अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है, अर्थात निकाय की कुल ऊर्जा हमेशा नियत या स्थिर रहती है। यही परिभाषा थोड़ा सा और समझाना चाहें तो जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है यानी गायब होती है, तब ठीक उतनी ही ऊर्जा किसी अन्य रूप में प्रकट होती है। अर्थात एक ऊर्जा अगर खत्म हो रही है ना, तो उसी वक्त दूसरी ऊर्जा बनने लगेगी। अतः विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिणाम स्थिर है, यह ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बांधों में जमा पानी। बांधों में बहुत ऊंचाई पर जो पानी जमा रहता है उसमें स्थितित ऊर्जा होती है। जैसे ही बांध के गेट खोले जाते हैं, पानी बहुत ऊंचाई से गिरता है, तो स्थितिज ऊर्जा खत्म हो जाती है और गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। फिर ये गिरता हुआ पानी टरबाइन को घुमाता है, टरबाइन घूमते हैं तो गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। इस टरबाइन से जनरेटर जुड़ा रहता है, जनरेटर बिजली बना देता है, तो यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल गई। ये बिजली हमारे घरों में आती है, हम बल्ब जलाते हैं, तो विद्युत ऊर्जा प्रकाशीय ऊर्जा में बदल गई। तो इस प्रकार ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं हो रही है, वो लगातार दूसरी ऊर्जा में बदल रही है। यही है ऊर्जा संरक्षण का नियम। प्रश्न क्रमांक 2, जब कोई ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है। हमसे पूछा है कि इतने सारे ऊर्जा स्रोत हैं, क्या ये प्रदूषण मुक्त हैं, क्यों अथवा क्यों नहीं? तो बहुत सरल सा उत्तर है, नहीं, कोई भी ऊर्जा स्रोत पूर्ण रूप से प्रदूषण मुक्त नहीं हो सकता, चाहे ऊर्जा स्रोत स्वच्छ या आदर्श ही क्यों ना हो। बहुत सारे आदर्श ऊर्जा स्रोत हैं जैसे LPG, CNG, नेचुरल गैस, है ना, लेकिन इनमें भी कुछ ना कुछ ऐसे पदार्थ निकलते हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। तो चाहे ऊर्जा स्रोत स्वच्छ या आदर्श ही हो, पर फिर भी यह पर्यावरण को किसी न किसी प्रकार से क्षति पहुंचाता है। सौर सेल को प्रायः, सौर सेल जो सूर्य के प्रकाश से बिजली बनाता है, सौर सेल को प्रायः प्रदूषण मुक्त माना जाता है, लेकिन वास्तव में सौर सेल से भी वातावरण प्रदूषित होता है, क्योंकि यह अधिक मात्रा में अवरक्त या इंफ्रारेड विकिरणों को प्राप्त करता है, जिससे वातावरण या पर्यावरण गर्म हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। तो सौर सेल और कोई प्रदूषण नहीं कर रहा, लेकिन इससे जहां जहां सौर सेल लगे रहते हैं ना, उसके आसपास का वातावरण थोड़ा गर्म हो जाता है। तो सारे ऊर्जा स्रोत पूरी तरह प्रदूषण मुक्त नहीं है। प्रश्न क्रमांक 3, नाभिकीय ऊर्जा का क्या महत्व है? उत्तर है आपके सामने, बहुत भारी नाभिक के हल्के नाभिकों में टूटना, अर्थात नाभिकीय विखंडन, अथवा अत्यंत हल्के नाभिकों द्वारा संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाना, अर्थात नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में द्रव्यमान की क्षति होती है। दोनों प्रक्रिया में द्रव्यमान की क्षति के बराबर ही ऊर्जा मुक्त होती है। यह ऊर्जा अन्य ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा की तुलना में कई गुना अधिक होती है। इसी ऊर्जा को हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। अर्थात किसी परमाणु के नाभिक के टूटने और जुड़ने से जो ऊर्जा पैदा होती है, उसे हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इसके बहुत फायदे हैं। इसका पहला महत्व तो यही है कि यह बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है, ऊर्जा की बहुत अधिक ऊर्जा हमें इससे प्राप्त होती है। दूसरा, यह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, बिल्कुल नया। साथ ही साथ ये अन्य ऊर्जा स्रोतों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 4, भूतापीय ऊर्जा क्या होती है? जैसा कि नाम से ही विदित है, भूतापीय ऊर्जा, भू यानी जमीन, जमीन की गर्मी से अगर हम बिजली बना लें तो उसे भूतापीय ऊर्जा कहेंगे। तो पहले आप प्रश्न को समझा करें, शब्दों में से ही अर्थ निकलता है, और फिर आप परिभाषा लिख सकते हैं। लीजिए परिभाषा, भूतापीय ऊर्जा, भूमि के नीचे गहराई में स्थित गर्मी से प्राप्त ऊष्मा अथवा ऊष्मीय ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। भूतापीय ऊर्जा की उत्पत्ति
मुख्यतः पृथ्वी में सर्वत्र समाये रेडियोएक्टिव पदार्थ यूरेनियम थोरियम और पोटेशियम आइसोटोप के विकिरण और पृथ्वी की कोर में भरे तरल पदार्थ मैग्मा या लावा की उपस्थिति से होती है। यह भूगर्भीय ऊष्मा पृथ्वी के भीतर गतिशील जल द्वारा भू सतह पर पहुंचती है। भूगर्भ से प्राप्त गर्म जल और भाप का उपयोग इस्पात हीटिंग बिजली उत्पादन एवं खनिजों के निष्कर्षण में किया जाता है। अर्थात जमीन अंदर गर्म है, किसके कारण गर्म है? एक तो रेडियोएक्टिव पदार्थों के कारण, दूसरा अंदर पिघला हुआ लावा है, इसके कारण पृथ्वी अंदर गर्म है। अब पृथ्वी में पानी भी है अंदर, वो पानी उस गर्मी के कारण भाप में बदल जाता है और बहुत तेजी से पृथ्वी की सतह पर वो भाप निकलती है, गर्म भाप। बस उस गर्म भाप का ही उपयोग करके हम बिजली बना सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, महासागरों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की क्या सीमाएं हैं? इसी प्रकार हम समुद्रों से भी बिजली बना सकते हैं, पर उसकी कुछ सीमाएं हैं, क्या हैं ये हमें बताना है। महासागरों से अपार ऊर्जा की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन सदा ऐसा संभव नहीं हो सकता, क्योंकि महासागरों से ऊर्जा रूपांतरण की 3 विधियां हैं, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और सागर तापीय ऊर्जा। इन सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं। अर्थात समुद्र से ऊर्जा एक तो आपको ज्वार भाटे से मिलेगी, दूसरा जो लहरें समुद्र के किनारे या तट पर आकर टकराती हैं उनसे मिलेगी। इसके अलावा समुद्र में कहीं पानी गर्म होता है, गर्म जलधारा, कहीं ठंडी जलधारा, उसके अंतर से भी हम बिजली बना सकते हैं। पहली है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा का दोहन सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध बनाकर किया जाता है। बांध निर्माण करने योग्य उचित स्थान आसानी से उपलब्ध नहीं होता जहां पर ज्वार के पानी को इकट्ठा किया जा सके, और जब भाटा आए पानी उतरे तो उसे टरबाइन घुमाओ, बिजली बनाओ। दूसरा है तरंग ऊर्जा। तरंग ऊर्जा का व्यवहारिक उपयोग केवल वहीं हो सकता है जहां तरंगें तटों पर अति प्रबलता से टकराती हैं, अर्थात लहरें बहुत तेजी से तट पर आए। विश्व भर में ऐसे स्थान बहुत कम है। सागर तापीय ऊर्जा। सागर तापीय ऊर्जा की प्राप्ति के लिए संयंत्र बिजली बनाने वाला तभी कार्य कर सकता है जब महासागर के पृष्ठ पर यानी ऊपर का पानी, जल का ताप तथा 2 किलोमीटर की गहराई पर जल के ताप में 20 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर हो। यह बहुत कम जगह यह अंतर पाया जाता है और यह प्रणाली बहुत महंगी है। तो महासागर से आप ढेर ऊर्जा, अपार ऊर्जा ले सकते हैं 3 विधियों से, लेकिन तीनों की अपनी अपनी सीमाएं हैं, इसलिए यह विधि अभी चलन में नहीं आई है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न क्रमांक 6, जीवाश्म ईंधन से होने वाली हानियां लिखिए। जीवाश्म ईंधन जो जमीन के अंदर से निकाला गया है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोयला, एलपीजी, नेचुरल गैस, इनसे क्या क्या हानियां हो रही हैं, क्या नुकसान है अगर हम इनका उपयोग करते हैं? बहुत सरल, आप सबको पता है जीवाश्म ईंधन से होने वाली हानियां। पहला, जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो पृथ्वी के अंदर बहुत कम मात्रा में है, सीमित है। अगर इनका हम लगातार दोहन करते रहे तो एक दिन ये पृथ्वी पर से खत्म हो जाएंगे, पृथ्वी पर ऊर्जा संकट आ जाएगा, पहला नुकसान। दूसरा, इनके जलने से कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। तो इनसे धुआं निकलता है, धुएं से वायुमंडलीय प्रदूषण तो हो ही रहा है, साथ ही साथ उस धुएं से हमें ढेर सारी बीमारियां भी होती हैं। अगला है, ये जल और भूमि को भी प्रदूषित करते हैं, साथ ही साथ इनके जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति आती है। तो जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से तीन हानि लिखना पड़ेगी। पहला है, ये ऊर्जा के सीमित संसाधन है, एक दिन नष्ट हो जाएंगे जिससे ऊर्जा संकट आएगा। दूसरा, इनके जलने से धुआं निकलता है जिससे वायुमंडलीय प्रदूषण होता है और तरह तरह की बीमारियां। तीसरा, ये मिट्टी और पानी को भी प्रदूषित करते हैं, और हमने एक एक्स्ट्रा और दे रखा है। चौथा, इनसे ग्रीन हाउस गैसें बनती हैं जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। ये लाइन नीचे लिखी हुई है लेकिन दिख नहीं रही। बढ़ते हैं आगे। अध्याय 14 के प्रश्न क्रमांक 7, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान क्यों दे रहे हैं? वैकल्पिक स्रोत समझते हैं ना, वैकल्पिक यानी नए, गैर परंपरागत, उन स्रोतों की ओर हम क्यों जा रहे हैं, क्यों वैकल्पिक स्रोतों को ढूंढना और उनका उपयोग करना जरूरी है? उत्तर है, कोयला और पेट्रोलियम, ये हमारे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। जैसे जीवाश्म ईंधन तो अनवीकरणीय है और कुछ वर्ष बाद समाप्त हो जाएंगे, हमारी आवश्यकताएं निरंतर बढ़ रही हैं, उन्हें पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग में वृद्धि करनी चाहिए ताकि भविष्य में हमें ऊर्जा संकट का सामना न करना पड़े। नवीनीकरण ऊर्जा से वातावरण का प्रदूषण भी रोका जा सकता है। तो हमें नए स्रोतों की ओर क्यों ध्यान देना चाहिए? क्योंकि पुराने स्रोत धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और हमें लगातार ऊर्जा की मांग जो बढ़ रही है उसकी पूर्ति भी करना है, इसलिए हम नए या वैकल्पिक या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की ओर ध्यान दे रहे हैं। और वे ऊर्जा स्रोत हैं जल ऊर्जा बांध द्वारा, वायु ऊर्जा पवन चक्की द्वारा, सौर ऊर्जा सौर सेल द्वारा, इसके अलावा भूतापीय और महासागरीय ऊर्जा भी नए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत हैं। प्रश्न क्रमांक 8, उत्तम ईंधन किसे कहते हैं? उत्तम ईंधन, सर्वोत्तम ईंधन, श्रेष्ठ ईंधन, आइडियल फ्यूल, कोई सा भी प्रश्न आ सकता है। तो भाई उत्तम ईंधन किसे कहेंगे? निम्न विशेषताओं से युक्त ईंधन को उत्तम ईंधन कहते हैं। अर्थात किसी ईंधन में अगर ये विशेषताएं हैं तो उसे हम उत्तम या सर्वोत्तम ईंधन कहेंगे। कौन कौन सी विशेषताएं? पहला है, ऊष्मीय मान या कैलोरी मान अधिक होना चाहिए, अर्थात हम जरा सा ईंधन जलाएं और बहुत सारी ऊर्जा निकले। इसका ज्वलन ताप कम होना चाहिए, ज्वलन ताप कम होने का तात्पर्य है ये जरा सी चिंगारी से जल जाए।
तीसरा, इसके दहन की दर संतुलित होना चाहिए, यानी इसके जलने को हम नियंत्रित कर सकें, कम कर सकें, तेज कर सकें, ये इतनी ऊर्जा ना निकले एकदम कि विस्फोट हो जाए। अर्थात अगर किसी ईंधन की दहन दर संतुलित है तो वह अच्छा ईंधन माना जाएगा। साथ ही साथ चौथी विशेषता क्या होनी चाहिए अच्छे ईंधन की, ईंधन में अज्वलनशील पदार्थों की मात्रा बहुत कम होना चाहिए, अर्थात ईंधन जलने के बाद राख या कालिक नहीं बचना चाहिए। दहन के पश्चात विषैले पदार्थों की उत्पत्ति कम से कम होना चाहिए, अर्थात धुआं और जहरीली गैस नहीं बनना चाहिए। ईंधन की उपलब्ध पर्याप्तता तथा सुलभ होनी चाहिए, अर्थात जो जिस भी ईंधन का उपयोग कर रहे हैं वो आसानी से मिल जाना चाहिए और कम कीमत पे प्राप्त होना चाहिए, उसकी कीमत कम होना चाहिए, सस्ता हो और आसानी से उसे भंडारण व परिवहन किया जा सके, उसे घर में छोटी सी जगह में रख सकें और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें। तो ये अगर आठ विशेषताएं किसी ईंधन में है तो उसे हम श्रेष्ठ ईंधन कहते हैं। ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, आदर्श ईंधन की विशेषताएं लिखिए, तो आप लिख देना आदर्श ईंधन में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। प्रश्न आ सकता है एलपीजी तथा सीएनजी को हम आदर्श ईंधन क्यों कहते हैं, तो भी यही उत्तर लिखना है, इन दोनों में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं इसलिए इन्हें हम आदर्श ईंधन कहते हैं। तो बहुत बढ़िया, तीन नंबर में आप आठ में से कोई पांच विशेषताएं लिख के आइएगा, बहुत अहम प्रश्न है, ये आएगा ही आएगा। उम्मीद है आपको ये पूरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, इसे अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही कई वीडियो देखने के लिए मुझसे जुड़े रहें। शीघ्र मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।